शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरे साथ रसोई में चलो, मुझे कुछ बात करनी है। आप मुझे वहाँ नीचे से यहाँ उठाकर लेके आए, सब वहाँ क्या सोच रहे होंगे? सबका ध्यान अभी पूजा में है, तुम मुझ पे ध्यान दो। मेरा मन ना आटे का हलवा खाने का कर रहा है। अच्छा ठीक है, अभी बना देती हूँ। मेरे बिना तुम्हारा कोई काम नहीं हो सकता ना। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। जल्दी से आपके लिए हलवा बना देती हूँ, फिर जाके सबकी मदद भी करनी है। क्या हुआ श्रद्धा, कहाँ खोई हुई हो? कुछ नहीं बुआ जी, बस रोशनी जी, ऐसे नहीं बनाते हैं मिठाई। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको शुरू से अंत तक बताती हूँ कैसे मिठाई बनाते हैं। ये डॉक्टर रोशनी के साथ मेरी प्रेम कहानी शुरू होने ही नहीं देगी। ये जाएगी तो ही डॉक्टर रोशनी आ पाएगी। बस भगवान जी मेरी नौकरी टिकी रहे ताकि इसके पैसे चुका सकूं। स्वीटू, माफ कर दो ना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि कल बहुत ज्यादा हो गया था ना, मुझे माफ कर दो और अपनी प्यारी सी मुस्कान दिखा दो। वरुण जी, अगर दोबारा आपने ऐसी गलती की ना तो हम सच बता रहे हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। कीर्ति, आई प्रॉमिस, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। ये देखो, मैंने आज की शाम की मूवी टिकट्स लिए, आज शाम को मूवी देखेंगे और अभी ना तुम्हारे फेवरेट शॉपिंग मॉल में चलते हैं, वहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं, ठीक है? अरुण जी, हमें अभी पुलिस स्टेशन निकलना है, बहुत सारा काम है। स्वीटू प्लीज, आज के लिए मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दे दो। ठीक है, हम स्टेशन में फोन करके कह देते हैं कि आज हम नहीं आएंगे। ये हुई ना बात, तुम देखना आज बहुत मजा आएगा। कही कौन सी मूवी की टिकट की है?
कल कितना मजा आया ना, कितने समय के बाद घर की पूजा में शामिल होने का मौका मिला मुझे। वैसे तुमने भी थोड़े आधे टेढ़े ठीक ठाक लड्डू बना लिए थे। इतने भी बुरे नहीं थे। वैसे आज शाम को भी पूजा है तो आ जाओ तुम। हाँ आना तो है ही, तुम्हें दवाई भी दे रही है ना। ठीक है फिर मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा तुम चाहो तो तुम्हें क्लिनिक तक छोड़ दूंगा। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे पास में मुझे किसी पेशेंट से भी मिलना है तो मैं चली जाऊंगी। तुम जाओ। बाय। कुछ तो है जो ठीक नहीं हो रहा है माता रानी, मुझे इतनी घबराहट से क्यों हो रही है? क्या हो गया वरुण जी? अरे ये मैं देखता हूं। तुम चिंता मत करो, फिल्म के लिए लेट नहीं होंगे, बस ये तैयार है, बस एक बार लग जाए। हट पीछे। ठीक है मैं पीछे हटता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी पत्नी को कुछ मत करना। नीचे कर। हट। इंस्पेक्टर पीछे हट जा, नीचे कर कर, नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा इसका। गन नीचे। अरे पागल हो गए क्या आप? गन नीचे कीजिए वरना वो गोली चला देगा। गन नीचे कर इंस्पेक्टर, नहीं तो उसका भेजा उड़ा दूंगा। गन नीचे। गन नीचे कीजिए आप। ठीक है मैं गन नीचे कर रहा हूं। ओके मॉर्निंग सर, कॉफी। सॉरी सर, सॉरी। तुम ठीक हो ना? बहुत दिनों से तू पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, आज जाके हत्थे चढ़ा है तू। अब तू पुलिस थाने में अपने जिगर के छल्लों का नाम बताएगा, समझा? यार बैठ, ले जा इसे, ले जा। दबोच के रखना इसे,
वरना फिर से भाग जाएगा। अब सर हम आपके साथ आते हैं। वरुण जी बाद में मिलते। कीर्ति कीर्ति और वरुण के हम पूजा कैसे शुरू करें? भाभी पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे वो देखो वरुण भैया आ गए। वरुण, वरुण बेटा आप अकेले ही हैं? कीर्ति कहाँ है? अम्मी, उसके लिए घर की ड्यूटी से ज्यादा जरूरी पुलिस की ड्यूटी। अरे पर आज तो उन्होंने छुट्टी ली थी ना, फिर अचानक क्या हो गया? अब जिसके बारे में सवाल पूछ रही है उसी से पूछ लेना ना। मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। घर से तो खुशी खुशी निकले थे, फिर अचानक क्या हो गया? भाभी यहाँ जितने लोग हैं उनके साथ ही पूजा शुरू कर लेते हैं। पूजा सब कर लो, पर जब तक ये प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी उसके पहले ही अभय का किस्सा तो खत्म। बस बस बेटा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। धोखा देना तो इस लड़की की रग रग में है। अरे तुम किसके बारे में बोल रहे हो अभय? इस लड़की की मम्मी, किराएदारनी के नाम पे नागिन पाल रखी हमने घर पे। अभय अभी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? देख ले भाई तेरी बीवी की बहन हमारे नाक के नीचे क्या गुल खिला रही है। अभय अब इल्जाम ही पढ़ते रहोगे या बताओ भी कि इस बेचारी ने ऐसा क्या कर दिया है? आप सबको नहीं दिख रहा इसके गले का मंगलसूत्र, इसकी मांग का सिंदूर? छुप
छुपाने की तू बहुत कोशिश की इस शादीशुदा लड़की ने, हमें धोखा देते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? बताओ कौन है पति तुम्हारा? कहीं हमारे साथ साथ उसे भी धोखा तो नहीं दे रही हो? क्यों किया तुमने ऐसे? ये कुंवारी होने का ढोंग क्यों किया तुमने? अपने मां बाप से भी छुपाया तुमने, प्रोफेसर भाभी उन्हें भी धोखा दिया तुमने, बोलो। अब है बेटा, अरे इसके मामलों में पढ़ने की क्या जरूरत है? वैसे भी ये तो किराएदार नहीं है ना, इसकी जिंदगी है तो इसे जीने दो ना। हमारे घर पे रह के हमें कोई धोखा देगा और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। मेरे घर से अभी दफा हो जाओ तुम। अबे अबे शांत हो जाओ प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है, इस लड़की को मेरे घर से निकालो अभी। अबे अबे बात तो सुनिए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अबे क्या करने वाले? मुझे बहुत डर लग रहा है उनके लिए। श्रद्धा तुम चिंता मत करो, अभय को मैं संभाल लूंगी। मैं जानता था तुम तो यहां से हिलोगे नहीं, इसलिए तुम्हारा सारा सामान मैंने बांध दिया है। इसे उठाओ और निकलो यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैंने 5 साल का किराया दिया है। तुम्हारा सारा पैसा तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, अभी तुम यहाँ से निकलो। अबे बेटा हम इसे ऐसे यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। बेटा अनुज जी को लौटने दीजिए ना, उसके बाद बात करते हैं। पापा से मैं बात कर लूंगा, मैं जानता हूँ इसके धोखे का सुन के पापा मेरा ही साथ देंगे। तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें कहा यहाँ से निकलो। कीर्ति घर पे नहीं, तब वो वापस नहीं आ जाती, हम उसकी बहन को ऐसे घर से कैसे निकाल सकते? जब वो आ जाए ना तो तू उससे बात कर लेना, पर अभी इस लड़की को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। और समझना नहीं है, सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। श्रद्धा को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सब इसने अपनी मन्नत की वजह से किया है। हाँ मैं भी तो तब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इस व्रत में ना एक कुंवारी लड़की अपने आप को सुहागन की तरह तैयार करके पूजा करती है ताकि उसे उसका मनचाहा वर मिल सके। अब देखा ना अबे, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ मैंने कहा था ना, लंबी सांस लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, हाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा वो कीर्ति भाभी यहाँ पर नहीं है और उन्होंने भैया को ये हंगामा करते हुए नहीं देखा, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता कि उनकी दीदी को भैया ऐसे घसीट के घर से बाहर निकाल रहे थे तो इसका अंजाम तो मेरे दोनों भाइयों को भुगतना पड़ता।
अभी तो बहुत भुगतना है अभय को, देखती जाओ। ये लीजिए, कीर्ति भी आ गई। हमारी अफसर बहू तो आ गई, मगर पूजा तो खत्म हो गई। कोई बात नहीं, बहू काम से घर वापस आई है। कीर्ति बेटा, तुम ना भगवान को भोग चढ़ाओ और उनका आशीर्वाद लो। क्या हुआ कीर्ति? अभी इस वक्त हम त्रिपाठी परिवार की बहू नहीं, ऑफिसर ऑन ड्यूटी, काम से आए। मगर यहाँ पर कैसी ड्यूटी? ग्लोबल गार्मेंट में पैसों का घपला और अकाउंट्स की हेरा फेरी में मिस्टर अभय त्रिपाठी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। अभय के खिलाफ उसके बॉस ने कंप्लेन की, गिरफ्तार हमें करना ही पड़ेगा। गिरफ्तार क्यों करना होगा, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। गिरफ्तारी करनी होगी, ये सारे सबूत अभय के खिलाफ है। कीर्ति, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। सबूत सारे हमारे सामने है, अभी तो अभी के लिए तो अभय को गिरफ्तार करना ही होगा।